एवरीवन, कैसा आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जिस पर हमने अच्छे खासे भैया मेहनत कर दिया है, अच्छी खासी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। जो जो कॉलेज आप डिमांड करते जाते हैं उनके हिसाब से मैं सप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कॉलेजेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। आज एक जबरदस्त कॉलेज के बारे में बात करूंगा, जो हमारे दिल्ली स्टेट का बहुत ही शानदार सा कॉलेज है, और वो कॉलेज है TTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एक ऐसा कॉलेज, थोड़ा सा चिल माहौल मिलेगा पढ़ाई लिखाई में, लेकिन प्लेसमेंट भैया तोड़ू फोड़ू होता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे NSUT से, तो कहीं ना कहीं बराबर के टक्कर पे आपको दिख जाएगा। NSUT का बस एक थोड़ा सा फायदा आपको वो CS & IT में हल्का सा मिल जाता है, वही हल्का सा एज है, लेकिन अगर कोर ब्रांचेज में जाएंगे तो DTU और NSUT आपको सब बराबर मिलने वाला है। लेकिन ये कैंपस आपको चिल माहौल देता है, इसलिए बच्चे यहाँ ज्वाइन करना पसंद करते हैं, क्योंकि भैया कॉलेज तो है ज़बरदस्त, प्लेसमेंट भी बढ़िया हो रही है। हाँ, फीस भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट ये होता है कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, उससे थोड़ी फीस ज़्यादा होती जा रही है। बट हाँ, 10 लाख रुपए के आसपास में आपका BTech कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा फीस नहीं बोला जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी फीस तो हमारे NITs और IITs भी ले रहे हैं ना। आइए देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली, ठीक है, मैंने वन ऑफ द बेस्ट इसलिए लिख दिया है, कहीं भैया NSUT वाले बेस्ट लिख देता तो वो भी खतरनाक बात हो जाती, मतलब हाँ ये कह सकते हैं कि बेस्ट कॉलेज में है। यार तीन ही चार तो बेहतरीन कॉलेज हमारे दिल्ली स्टेट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं भैया, NSUT हो, TTU है, IGDTU है जो गर्ल्स के लिए है, और एक IIIT दिल्ली है। ये चार तो बेहतरीन है ही, है ना। हमने IIIT दिल्ली पर एक शानदार सी ये वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी जा करके देख सकते हैं। आपको IIIT दिल्ली यार थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जाना ठीक होगा, है ना, थोड़ा निश्चित रूप से महंगा। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ भैया, ये इंडिया में अक्सर लोग जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा ले जाते हैं, उस हिसाब से आपको IIIT दिल्ली का फीस करीब करीब आधा लग सकता है, अगर आप मतलब सैलरी आपके मतलब परिवार की कम हुई तो, है ना। DTU में आपका एडमिशन जो है जैक काउंसलिंग के थ्रू होगा, जैक दिल्ली काउंसलिंग बोलते हैं इसको, जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं होता। अभी अब मैंने जो आपको चार कॉलेजेस बताए हैं, IGDTU, IIIT दिल्ली, TTU एंड NSUT, इनके एडमिशन भैया जैक काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। DTU में आपको 85% का कोटा दिखेगा दिल्ली रीजन के लिए, और 15% अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है, और यही वो प्राइमरी रीजन है जो कि मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहूँगा। मैं कोटा में पढ़ा रहा था तो मुझे एक मतलब हमसे एक पेरेंट्स मिले, बातचीत हो रही थी, तो मैंने पूछा कि बच्चा 12th कहाँ से करेगा। तो यूजली क्या होता है कोटा में, लोग वहीं नाम लिखवा देते हैं ना डमी क्लासेस वगैरह के चक्कर में, बट उन्होंने बोला इनका नाम मैं दिल्ली में लिखवाऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों लिखवाओगे भाई, वहाँ क्या फ़ायदा होने वाला है, यहीं करवा लो, मेहनत लगेगी, आपको आना जाना पड़ेगा। बोला नहीं सर, जब काउंसलिंग होती है तो बहुत फ़ायदा मिलता है, 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है। अब देखो कुछ पेरेंट्स भी ये बातें जानते हैं, और आगे चल के आप देखोगे कि जो कट ऑफ होती है वो दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए क्या दिखती है, और अदर स्टेट के लिए तो बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है कि सीट्स बहुत कम होती हैं उनके लिए, ठीक है। आप कहोगे भैया ये तो ओपन कर दिया तो सब लोग करने लग जाएंगे, अरे सबको पता है, डोंट वरी, बहुत समझदार लोग हैं, जिनको नहीं पता है वो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए उनके पास तक, ठीक है।
आइए अगली बातचीत करेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कैंपस जैसा होना चाहिए एक कॉलेज का, वैसा भैया ये आपको दिखेगा। ज़बरदस्त सा कॉलेज है, इनके इंफ्रा भैया एक नंबर। अभी जो नए वाले हॉस्टल्स बने हैं, एसी लगाया हुआ उन्होंने, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कह सकता हूँ हॉस्टल का लेवल भी ठीक है। और अगर मैं गेम्स की बात करूँ, इंडोर गेम्स भी मिल जाएंगे, उसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। आउटडोर गेम्स की तो क्या ही बात है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा स्टेडियम क्रिकेट का बना दिया, ठीक ठाक बड़ा सा आपको वहाँ पर स्टेडियम मिल जाएगा। फ्लड राइट लाइट्स भी लग रखी हैं, तो वो भी स्टैंडर्ड हैं, मतलब अच्छी वाली लगी हुई हैं कि आप रात वात में आराम से खेल सकते हो। ठीक है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1941 में एस्टैब्लिश किया गया था, लोकेशन दिल्ली है, इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से पब्लिक है ना। एरिया की बात करें तो 164 एकड़ है, और भैया दिल्ली में इतना एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जितने कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से देखोगे तो ये अच्छा खासा बड़ा कैंपस है। अगर मैं बात करूँ अपनी IIT दिल्ली के बाद, ये कैंपस हमें मतलब ठीक ठाक साइज का लगा, क्योंकि मेरा कैंपस करीब 325 एकड़ का IIT दिल्ली, तो ये 100 इतना भी चल जाएगा, 165-164 एकड़ बहुत अच्छा कैंपस माना जाएगा। ठीक है, एक तो ना ये भाई बहुत लोग कंपेरिजन करते हैं कि सर वो तो 2100 एकड़ का है फलानी IIT, है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बहुत छोटा नहीं हो गया। तो भैया मेरे, तुम ये भी तो देखो जगह कौन सी है। तुम कहाँ रह रहे हो? दिल्ली के एकदम मेन जगह पर रहोगे तो निश्चित रूप से भैया पूरा इलाका तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो मैं इतना मिल गया, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 35th इंजीनियरिंग की रैंक मिलती है, अच्छा है रैंकिंग है। NIRF के हिसाब से देखा जाए भैया प्लेसमेंट वगैरह लगता है 250, जबरदस्त जिंदाबाद है ना, चिल लाइफ है। आप 8 CGPA से हमेशा ऊपर रखने की यहाँ पर जरूर कोशिश करिएगा, नहीं तो भैया बहुत सारी कंपनीज में आप बैठ भी नहीं पाएंगे। चले, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.84 CR ये इंटरनेशनल पैकेज है, और इंडिया का जो पैकेज है वो 51.75 LPA है। कई जगह पर 64 भी लिख रखा था, न्यूज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, लेकिन मुझे जो थोड़ा रेलेवेंट सोर्स लगा वो यही था। ठीक है, अगला देखते हैं। एवरेज CTC की मैं बात करूं तो 15 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी यहां पर हो जाएगी, मतलब इतना CTC यहां पर हो जाएगा। CTC तो समझते हो ना, सैलरी एंड CTC का अंतर, कभी इस पर भी वीडियो बना दूंगा। CTC ऐसे समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं CTC में जो आपको बताया जा रहा है इसका करीब 65-70% तक पैसे आपको मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, मतलब 70% मैक्स समझ लो कि आपको मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं यार, मान लो अगर 70% है तब भी बहुत है ना, ठीक ही ठाक है, मतलब है ना, एक तरीके से देखोगे तो। वो भी एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट तो देख लो कहाँ तक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया, टोटल ऑफर्स विद CTC बिटवीन 10-20 LPA, तो इतने बच्चों को तो 10-20 के बीच में मिला हुआ है, मतलब अच्छा खासा नंबर है ये। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। ये तो कुछ न्यूज़ की कटिंग लगा रखी है कि 1.84 करोड़ रुपए का पैकेज लगा हुआ है। आप जानते हो न्यूज़ वाले तो कैसे छापते हैं बढ़िया सा, है ना, उन वो सिर्फ प्लेसमेंट बताते हैं, वो कहते हैं ये भी नहीं बताते कि बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कोई मतलब नहीं उनको, उनको मतलब भैया पैसा से, है ना जी। हाँ, यहाँ पे क्या है भैया, पूरी देखो कैसे लिखते हैं ये, ना केवल नौकरियों की बरसात हुई बल्कि दमदार पैकेज भी बरसा है। वेरी वेरी गुड, यहाँ के 14 स्टूडेंट्स को सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज ऑफर हुआ है, समझे जी, मतलब बढ़िया कॉलेज है, इसमें कोई शक नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, है ना। एक बच्चे का, हाँ ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने डाले, थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। एक बच्चा है जो क्या लिखा है, आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम 50 फर्म्स DTO स्टूडेंट ने 1 करोड़ रुपये का जॉब गूगल में ले लिया। तो समझ लो भैया रिजेक्शन के बावजूद आप यहाँ तक आ सकते हैं अपने पर काम करके। वाओ, प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं उनके सीट्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ECE में आपको इतना सीट मिल जाएगा, ये बताने की ज़रूरत इतना है नहीं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मेन ये बताना चाह रहा हूँ कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे मिलते हैं आपको। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो अच्छा खासा इनटेक है भाई, 500 के आसपास भैया इनटेक, बहुत अच्छा इनटेक माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए 300 है, तो 300 ये करीब 250, ये करीब 500, बहुत अच्छी बात है यार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी देखो 180 के आसपास ये भी मिल रहा है, मतलब
इनटेक इनका अच्छा है और प्लेसमेंट का अगर एवरेज 15 के आसपास जा रहा है फिर ख़राब नहीं है, क्योंकि इनटेक भैया उन्होंने ज़्यादा ले रखा है। और कई बार बच्चे जो है DTO को इस बारे में थोड़ी बुराई भी करते हैं, लेकिन भाई मेरे तू ये सोच के देख, कम से कम सीट्स बढ़ी हुई हैं तो आप कैंपस जा पा रहे हो, कंपनीज आ पा रही हैं, उनके सामने आप प्रेजेंट हो पा रहे हो प्लेसमेंट के लिए। इस कैंपस से देखो यार, प्लेसमेंट तो भैया शानदार लग ही जाता है। मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो समझ लो कि थर्ड ईयर में जाकर के जगते हैं और लास्ट में वो जो है दो साल तक ढाई साल तक चिल मार रहे थे, लास्ट में उनको 36 LPA तक का पैकेज लग गया, तो समझ जाओ कि मतलब अगर कहीं तुम फर्स्ट ईयर से जग गए ना, तुम तोड़ फोड़ मचा दोगे, अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ से लेके जाओगे। बायोटेक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपको 181 सीट्स मिल जाएंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक नॉर्मल वाला जो पीछे आपने देखा है करीब करीब उसमें 300 सीट्स थी। स्पेशलाइजेशन वाले में देखोगे किसमें है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में वो 76 सीट्स है यहाँ पर, और इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी कोर्स है 116 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइए अगली बातचीत करते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जो है करीब करीब देखिए 2,20,000 रुपये लगता है, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, ठीक है। सेकंड ईयर में आपको इतना देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में आपको इतना देना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में आपको इतना देना पड़ेगा, करीब करीब 10,000 रुपये एक तरीके समझ लीजिए कि हर साल फीस बढ़ती जा रही है। एक डेटा ये देख ले भैया, अगर हॉस्टल AC वाला आप लेते हो, मेस फीस मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 1 LPA लग जाता है भैया, मतलब 1,00,000 रुपये लग जाता है एक साल का, ठीक है। एक साल का ये खर्चा भी एक्स्ट्रा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ट्यूशन फीस और ये हॉस्टल फीस, ये मिलाकर के आप देख सकते हैं ये इतना खर्चा आपका पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से देखो तो 8,00,000 तो सीधा हो गया भैया, इनको मिलाओगे तो करीब करीब 10,00,000 तो मान ही लो, है ना, करीब करीब 10,00,000 तो यही हो जाएंगे, 12-13 तक में आपका काम बनेगा अगर मैं हॉस्टल मैस सब कुछ मिला लूँ तो, है ना। आइए अगला देखते हैं भैया, चर्चा होती है स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड्स फी, अच्छा फीस में आपको छूट मिलेगी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है तो, ठीक है। 100% फीस माफ़ हो जाती है जिनका वही वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। कुल मिला के यही है कि फैमिली इनकम अगर कम हुई तो फीस माफ़ हो जाती है एक लेवल तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं भैया, मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप जो ONGC देती है, शायद ये ONGC का है, हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC एक बहुत बढ़िया वाली कंपनी है ये, जहाँ पे बच्चे ड्रीम भी रखते हैं BTech के बाद कि यहाँ जाते हैं, गेट निकालते हैं फिर यहाँ पे जाते हैं ना, एक तरीके समझो कि सेमी गवर्नमेंट टाइप के आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्या एक तरीके गवर्नमेंट ही मान लो, वैसे तो है सेमी गवर्नमेंट, है ना, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि नौकरी से कभी निकाले जाने वाले नहीं हो, चिल लाइफ है, 80-82,000 रुपये खाते में आते रहते हैं, और सुविधाएं तो ऐसी देते हैं भाई ONGC वाले, ये मैं आफ्टर BTech की बात कर रहा हूँ, है ना, ये बात समझना। और स्कॉलरशिप देते हैं भैया 10,000 रुपये पर ईयर का, ठीक है जी। आइए देखते हैं वो भी किसको देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, प्री फाइनल ईयर BTech स्टूडेंट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, अगली चर्चा है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आपको पता ही भैया JEE मेंस आपको निकालना पड़ेगा, उन्हीं के रैंक पर आप जा पाएंगे। 85% दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए है। यहाँ पर देख ले भैया, जैक काउंसलिंग में 75% नहीं चाहिए, यहाँ पर 60% से आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो इस बात से परेशान हैं उनकी रैंक और लेकिन अच्छी आ रखी है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है जी। आइए अगला देख लेते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। ये 7th राउंड का है, मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ये दिल्ली रीजन के लिए है, दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए है जिनका 12th दिल्ली से हुआ होगा, उनके लिए कि कंप्यूटर साइंस जनरल में देख ली भैया, 8,000 अगर आप लेकर के आते हैं तो सेफ स्कोर आपके लिए हो जाएगा। EWS के बच्चों के लिए 22,000, OBC के लिए 50,000, देख रहे हो भैया, OBC के लिए 50,000 रैंक तक आपको DTO मिल जाएगा। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब होता है 22-23 लाख रुपए, आप समझ लीजिए कि एवरेज पैकेज तो मिनिमम होगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, है ना, इतना तो मिल ही जाना होता है, बाकी आप देख सकते हैं। अगला देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, अगर मैं यहाँ की बात करूँ 10,000, 12,000, 15,000 रैंक तक आप यहाँ पे इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बायोटेक की बात करूँ तो 70,000, हालांकि इसमें प्लेसमेंट देखो भैया शानदार होती नहीं है, शानदार क्या ना के बराबर ही होती है, आपके पास रिसर्च का ही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है बायोटेक्नोलॉजी के बाद, ये सच बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बोलूँगा मैं ये बात यहाँ पे, ठीक है। बाकी को आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके। दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब एक वरदान समझिए, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए भैया ये देखो, जनरल रैंक कहाँ पे जाके बंद होती है, कहाँ पीछे जाके, जो आपका दिल्ली रीजन है वहाँ पे 8,000 रैंक में काम हो जाएगा, यहाँ पे 2,500 रैंक लानी पड़ेगी अगर आप DTU जाना चाहते हैं तो, क्योंकि सीट CR 15% सिर्फ,
है ना, आईटी, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो करीब करीब 5000, वो भी 5000 के अंदर लाना पड़ेगा तब आप यहाँ पे जा पाएंगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 6271 रैंक तक आ सकते हैं। ईसी की बात करें तो 9000 रैंक के आसपास। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 13000 ना, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ में भैया लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है इनकी, मैंने वीडियो देखी हुई है, लाइब्रेरी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। जिनको पढ़ना लिखना होगा निश्चित रूप से इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि भैया 4 फ्लोर आपको मिलने वाली है, अच्छा बनाया हुआ है। मैं तो कैंपस के ही वीडियोस देख करके मैं समझ गया कि यार ज़बरदस्त सा कॉलेज है। सुना तो हमने था ही, क्योंकि जो साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग DTU से पढ़े लिखे हैं, DTU, NSUT, IGDTU, और इवन IIIT दिल्ली का तो हमारे ही घर में एक शख्सियत हैं, तो जानता हूँ मैं इन सारे कॉलेजेस के बारे में। ओके, हॉस्टल्स एंड मेस की अगर मैं बात करूँ, देखो मेस का खाना मतलब जैसा आप सुनते हो कि बहुत ख़राब रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया खाना मिलता है ना। वो होता क्या है कि आपको अच्छा खाना भी रोज़ रोज़ मिले तो ख़राब लगने लग जाता है, बस एक ही प्रॉब्लम। वो हमारे साथ IIT में भी था कि बल्कि हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम क्या बनवाना चाहते हैं। सोसाइटी जो होती है भैया वहाँ जाके बताना है आपके हॉस्टल की कि ये चीज़ें हैं, जो रिलेवेंट होगा निश्चित रूप से वो करते भी हैं, क्योंकि पैसा आपको ही पे करना होता है वो चीज़। ठीक है, समझ बात आ गई। तो मेस को हम डिसाइड कर सकते हैं। हॉस्टल जो नए बने हुए वो सारे अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पुराने वाले भी अच्छे हैं, पुराने वाले भी अच्छे बना रखे हैं। नए वाले में अच्छी बात ये है कि अब ऐसा है AC लगा रखा है, नए नए फर्नीचर हैं, तब भी ठीक है चीज़ें। ठीक है, न्यू हॉस्टल्स देखिए लिखा है AC रूम है, TV, जिम विम कर सकते हो, इंडोर गेम्स खेल सकते हो। ठीक है जी, बाकी पढ़ लेना यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कैंपस अच्छा है, सुंदर है, वेज एंड नॉन वेज दोनों मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर मिल जाएगा जी। ठीक है, मेस भी अच्छा है। ओके, पहले आगे बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ज़बरदस्त था। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो एक नंबर की है भाई, एक नंबर की। जो जो आप चाहते हैं ग्राउंड वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, फुटबॉल एंड हॉकी ग्राउंड ये भी बढ़िया मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल बास्केटबॉल ये तो हर जगह रहता है, यहाँ पर तो है ही है। बैडमिंटन कोर्ट्स आपको 5 मिल जाएंगे, टेनिस के 3 मिल जाएंगे, वो भी नहीं बहुत छोटा छोटा बना दिया, अच्छा बनाया हुआ। जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पर बढ़िया दिखने वाला है। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं सोसाइटीज पर। वो सोसाइटी जो आप सोच रहे हो वो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप जाइए, नहीं होगी तो आप खुद भी कोशिश करिए कुछ नया बनाने की, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे आपको इन्हीं क्लब्स में, इन्हीं सोसाइटी में जाना होगा, जो कि नाम पढ़ लीजिए, बता दिया गया भैया यहाँ पे। ठीक है, म्यूजिक है, आर्ट है, और क्या लोगे भैया, नाचने कूदने की आपकी पूरी व्यवस्था है, डांस सोसाइटी है, फोटोग्राफी है। ठीक है, ड्रामा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो अपना वाला ड्रामा नहीं रहे ना लायक, है ना। आइए अगला देखते हैं, ये क्या था, एक मिनट देखते हैं लास्ट में क्या था। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, अच्छा जी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेनी मोर। आइए अगला देखते हैं। भैया फेस्ट की बात करें तो भैया फेस्ट बढ़िया होता है। अगर मैं दिल्ली रीजन की बात करूँ ना, तो वो IIT दिल्ली के बाद जो बेस्ट फेस्ट होता है वो यहीं पे होता है जी, DTU में होता है। कैंपस की साइज़ भी बड़ी है, ठीक ठाक है, तो मतलब ऐसी जगहों पर फेस्ट कराने में भी मज़ा आएगा, है ना, बच्चों को भी थोड़ा फील आएगा। तो ये इनके फेस्ट हैं भैया, इनका टेक्निकल फेस्ट ये रहा, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, और यहाँ से बच्चे जो है बाकी डिफरेंट IITs एंड IITs में जाकर के भैया पार्टिसिपेट भी करते हैं। नोटेबल एलुमनाइज की बात करें तो मूर्ति जी किसमें है भैया, पेपर फ्राई इसके फाउंडर रहे हैं, मतलब फाउंडर रहे हैं क्या, मतलब हैं ही हैं, है ना। पेटीएम में कई जो फाउंडर हैं, विजय शेखर शर्मा, इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने, क्योंकि यार पेटीएम ब्रांड के बारे में अगर जानते होंगे तो निश्चित रूप से जो लोग जानते हैं वो इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, इनकी बहुत सारी कहानियाँ भी फेमस हो गई हैं, वो शायद आप तक पहुँचेगा जब आप कॉलेज कहीं पहुँचोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैसे फाउंडर्स के नाम लिखे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम कर रहे हैं। और DTU की सबसे अच्छी बात बताता हूँ लास्ट में कि भैया थोड़ा सा चिल माहौल होने का फ़ायदा ये होता है कि जिनको UPSC वगैरह की प्रिपरेशन भी करनी है वो साथ साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताता हूँ, जब जो कैंपस है उसके आसपास अगर ना कोचिंग का इकोसिस्टम मिल जाता है तो बच्चा प्रिपरेशन थोड़ा आराम से कर पाता है, मतलब नॉर्मली कर पाता है, ऐसा समझ लो। गेट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और एक IES है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आप UPSC की बात करें, मतलब IAS की बात करें, इनमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा चिल माहौल है, पढ़ना भी है, और थोड़ा जो टाइम मिल रहा है निश्चित रूप से उसमें आप अगर वक्त देते हैं तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे। उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, कहीं सोचो सिर्फ यही लोग हैं क्या। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाबा टेक केयर। इस जबरदस्त कॉलेज के बारे में साथ पढ़ करके, जान करके,
आपको आनंद जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में जरूर बताना कि किस और कॉलेज के बारे में आपको जानना है। बाय बाय, लव यू ऑल।